हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मुख्य रूप से तीन विषय पे हम लोग बात करेंगे, तीन टॉपिक पे। सबसे पहले जो संसद से प्रश्न ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि को लेकर पूछे गए थे, उन प्रश्नों के उत्तर आए हैं माननीय रामेश्वर तेली जी के माध्यम से। उसकी भी समीक्षा करेंगे कि उस कौन से प्रश्न थे और क्या उसका उत्तर आया है, और उस उत्तर से क्या निष्कर्ष निकलता है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बजट को लेके, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उनके पेंशन वृद्धि को लेके बजटीय व्यवस्था को देखेंगे, समझेंगे। और तीसरे नंबर की बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट है, और कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके बात सामने आएगी। दोस्तों, आपका लोगों का काफ़ी बार जो तो कमेंट आता था कि मैं जो बात करता हूँ, बात करने का जो अंदाज है, वो थोड़ा सा उसको बदलना पड़ेगा, ताकि मैं जो बात करूँ वो जानकारी या वो वीडियो आप लोगों को क्लियर समझ में आए। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इतना फास्ट बोलता था कि वो वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आता था। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि मैं जो कुछ भी बोलूँ इतने सही लहजे में बात करूँ कि आप तक वो जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आए। समय के अभाव की वजह से मैं थोड़ा फास्ट बोलता था, ताकि कम समय में ज़्यादा बात आप लोगों के साथ में कर सकूं। देखिए, चलिए इस बार से कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि सही सही शब्द का प्रयोग और सही तरीके से करके आप लोगों को जल्दी समझा के पूरी तरीके से ख़त्म करूँ। वीडियो को शुरू करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि संसद में इस समय, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को काफ़ी तीव्रता के साथ में उठाया जा रहा है। जिस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी समस्याओं को लेके नेता राजनेताओं के पास गए हैं, ठीक उसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उसका निष्कर्ष मिला, उसका उत्तर मिला, और उन्हें उनके बातों को रखा गया। यही बात पे एक बार जो तो लोकसभा की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन प्रश्न पूछे गए। उन प्रश्नों में से मुख्यतः यह था कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी करके कोई बात हो रही है या नहीं, बजटीय प्रावधान हुआ या नहीं हुआ, और हुआ भी था तो कब हुआ था, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा है। मुख्य रूप से यही बात था। इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर, क से लेके ग तक वो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का एक ही उत्तर बताया गया कि इन तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है मुख्य रूप से एक ही उत्तर है, और वो उत्तर बताया कि हाँ जी हाँ, बढ़ाया गया था। वर्ष 2014 में ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी गई थी, और वह पेंशन की राशि में वृद्धि होकर 1.6% तक की पेंशन में वृद्धि की गई थी। कुछ इस प्रकार से बात कही गई थी, जिसका प्रारूप मैं यहाँ पे एक जो तो आपको दिखा देता हूँ लेटर। और दोस्तों, इसके ऊपर और डीप में आपको जानना है तो हमारे दूसरी वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से भी आप उसे देख सकते हैं या जान सकते हैं। आगे की बात करते हैं बजट से संबंधित, कि बजटीय व्यवस्था को क्या है, बजटीय व्यवस्था को लेकर क्या बातें होंगी। देखिए, मामला जब से मुद्दा उठा है संसद में, तभी से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जितने भी संस्थाएं थी, संस्थाएं एक्टिव हो गई हैं, और सभी संस्थाओं ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सपोर्ट और समर्थन किया है। उसी सपोर्ट और समर्थन के बल पर जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, वो अपने बजटीय या अतिरिक्त बजट का व्यवस्था बनाने या अतिरिक्त बजट का बात रखने लगे। जहाँ एक तरफ माननीय ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय वित्त मंत्रालय से बात उठी कि 1650 करोड़ रुपए का बजटीय व्यवस्था या अतिरिक्त बजट ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया जाएगा, बात वहीं पे जो तो रुकी हुई थी, लेकिन अभी पता चला है कि उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है, यानी कि उसका जो फाइल है उन फाइलों पे प्रोसेस किया जा रहा है या प्रोसेस हो रहा है। उसके आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो दो दो रिव्यू पिटीशंस दायर हैं, उन पिटीशंस पे कब सुनवाई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी कि अब जानकारी अब जो तो होगा अब होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी कोई डेट सामने नहीं आई है जिससे यह बात कही जा सके कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इतने समय तक में पेंशन में वृद्धि या इतने समय तक में जो दो दो रिव्यू है उस पर फाइनल फैसला आ जाएगा।
अब देखना ये है कि इनको किस प्रकार से डेले हैंडल करते हैं और कौन सा डेट आगे मिलता है। कोई भी डेट आगे मिलेगा उसी डेट पे फैसला किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो का जो अंदाज था, ये वीडियो जिस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट हो रही है उससे आपको कैसा लग रहा है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों अगर ये वीडियो जानकारी दोनों आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ में बेल की घंटी को भी प्रेस करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये जानकारी वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो का अंदाज कैसा लगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।